नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश में शराबबंदी के समर्थक मांगे मनवाने के लिए अब हिंसा का सहारा लेने लगे हैं। मामला मुरैना के नूराबाद थाने का है, जहां शराबबंदी समर्थकों ने शराब ठेके में तोड़फोड़ करते हुए उसमें आग लगा दी। ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस एक दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। शराब को एक सामाजिक बुराई के रूप में देखा जाता है, जिस पर प्रतिबंध लगने की मांग उठती जा रही है, लेकिन शराबबंदी की मांग को लेकर जो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, वो काफी चिंताजनक है। हम बात कर रहे हैं मुगल कालीन पुल के पास बने शराब के ठेके की, जहां शराबबंदी समर्थकों ने तोड़फोड़ करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। बेकाबू भीड़ ने कानून हाथ में लेते हुए शकील और कल्ला नाम के दो सेल्समैनों को भी लाठियों से जमकर पीटा है। हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती, आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। शराब ठेकेदार की शिकायत पर पुलिस ने एक दर्जन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। कल कुछ शराबबंदी समर्थकों के द्वारा जो लाइसेंस धारक खान हैं, यहां पर जो देशी शराब मदिरा का लाइसेंस धारक हैं, उनके द्वारा पुराने पुल पर दुकान का संचालन किया जा रहा था, तो कुछ नूराबाद क्षेत्र के शराबबंदी के समर्थक लोग उनकी दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ करके लोगों की मारपीट की है और सामान का नुकसान की भी किया है, जिसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि शराबबंदी की मांग की वजह से ठेकेदारों को दुकान किराए से नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद शराब ठेकेदार टेंट लगाकर दुकान संचालित कर रहा था। शराबबंदी की मांग को जायज माना जा सकता है, लेकिन मांग पूरी कराने के लिए हिंसा का जो सहारा लिया जा रहा है, वो हमारे संविधान को अपमानित कर रहा है। मुरैना से गजेंद्र तोमर की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए न्यूज आज।